व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रेल और फैमिली। काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, और आज आप लोगों का स्पेशल सेशन रहता है साइंस और टेक वाला आज के न्यूज़पेपर में। इसी के साथ में संडे भी है, तो संडे में आप लोगों का फन डे भी होता है, एंजॉय भी किया कीजिए थोड़ा सा लाइफ में। देखिए, कोशिश ये किया कीजिए संडे वाले दिन अपना थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग कहीं घूम के आया कीजिए, या फिर कोई मूवी वगैरह देखा कीजिए, यानी कि आप लोगों के पास में थोड़ा सा फन का टाइम भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, पूरे वीक आप लोगों को शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को फॉलो करके चलना है, और थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने आप को रिलैक्स भी करना है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा अपना जो एरिया है उसको चेंज कीजिए, थोड़ा बाहर घूमिए, खाइए पिए, एंजॉय कीजिए, और फिर से बैक टू द स्टडी आ जाइए। यानी कि पूरे वीक आप लोगों को फिर कमर कस के काम करना चाहिए। साइंस और टेक वाला पोर्शन भी हम लोग देखेंगे, पर पहले थोड़ा न्यूज पे नजर डालेंगे। आज जो साइंस और टेक वाला पोर्शन है वो बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही पोर्शन है, पर जितना भी है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को काफी मजा आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्टिंग में एक न्यूज के साथ में। तो एक काफी स्पेशल न्यूज है, यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी कंट्री को पहला सैटेलाइट मिल गया, हमारी कंट्री को पहला टैंक मिल गया, हमारी कंट्री को पहला ये मिल गया, वो मिल गया। अब एक इंटरेस्टिंग न्यूज ये, हमारी कंट्री को पहला भगोड़ा मिल गया है। जी हाँ, पहला भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया गया है, विजय माल्या को पहला भगोड़ा डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में एक बिल आया था जिसको बोलते थे हम लोग फ्यूजेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल 2018। तो उसके चलते हुए यहाँ पर फिर जब ये चल के आगे एक्ट बना जिसको फ्यूजेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट हम लोग बोलने लगे, उसके तहत यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है अगर कोई पर्सन यहाँ पर ये भगोड़ा होता है तो उसको डिक्लेयर किया जाता है। आखिर क्या कंडीशन है, तो ये दो मेन कंडीशन यहाँ पर बताई गई है। मेन कंडीशन क्या क्या निकल के आती है, किस तरीके से आप लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये भगोड़ा है या भगोड़ा नहीं है, तो दोनों कंडीशन को ध्यान से सुनिएगा, इससे आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहली बात तो यह है, यहाँ पर अगर किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जाता है और उसकी जो मनी है यानी कि जितना उसके ऊपर एक तरीके से आरोप लगाया गया है वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा, उस इंसान ने रिफ्यूज कर दिया हो कंट्री में वापस आने के लिए, यानी कि कहने का मतलब ये, अगर उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया हो पहला, दूसरा उस वारंट के साथ साथ में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मनी हो, इसी के साथ में उसने मना कर दिया हो वापस आने के लिए, तो उसको बोल दिया जाएगा इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो हमारी कंट्री का एक पहला इकोनॉमिक ऑफेंडर आप लोगों के सामने है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है यहां पर ये एक्ट जिसको बोलते हैं फ्यूजेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। और इसको डिक्लेयर करने के बाद में जो भी इंसान होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है उसको जब्त करने की, यहां पर जब्त करने के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है, तो इनकी भी जो भी प्रॉपर्टी इंडिया में उसको जब्त करने का ऑर्डर दे दिया गया है। तो एक अच्छी न्यूज बोल सकते हैं अपनी कंट्री के लिए भी, अपनी कंट्री के बैंक सिस्टम के लिए भी, और अपनी कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी, तो काफी अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए, सुबह सुबह खुशखबरी मिल गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात की जा रही है, थोड़ी दुख खबरी है यहाँ पर। कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है किसानों के ऊपर कई सारे अत्याचार होते हैं, एक तो जो भी वो अपने खेतों में उगाते हैं उनकी प्रॉपर जो उनकी लागत नहीं मिल पाती है उनको, दूसरा कई बार ऐसा होता है कि मौसम की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से फसल अच्छी नहीं हो पाती है, तो इस तरह प्रॉब्लम वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, इरिगेशन की प्रॉब्लम निकल कर आती है, इससे अलावा जो फर्टिलाइजर या सीड वगैरह होते हैं, बीज वगैरह या फिर जो खाद वगैरह वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है। अब जो नई प्रॉब्लम निकल कर आ रही है पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश में, तो वो ये निकल के आ रही है, जब से यहाँ पर जो कैटल मार्केट है वो यहाँ पर जब से ढंग से काम नहीं कर रही है, तब से लेकर बहुत सारे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा, गाय वगैरह हो गए या जो इस तरीके जो 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 बैल वगैरह होते हैं जिनको पहले मार्केट में बेचा खरीदा जाता था, अब उत्तर प्रदेश में इनको अलाउ नहीं किया जाता है। तो इसकी वजह से देखिए, रहेंगे तो खाने के लिए इनको चारा भी चाहिएगा, तो खाने के लिए जो चारे की व्यवस्था की जाती है वो आसपास में जो भी खेत होता है उसमें घुस जाते हैं और पूरे खेत को बर्बाद करके रख देते हैं। ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास में बहुत कम जमीन है, एक दो या दो बीघे या तीन बीघे जमीन है, उनका पूरा खेत बर्बाद हो जाता है जिनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी होती है। तो काफी प्रॉब्लम यहाँ पर कई सारे किसान फेस कर रहे हैं, और इसी से रिलेटेड स्पेशल स्टोरी यहाँ पर छपी है, उसमें ये बात बताई गई है कि आखिर अगर आप लोग यहाँ पर ये कैटल मार्केट को चलने नहीं दे रहे हैं तो या फिर ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए ताकि इनको चारा दिया जा सके। एक तो आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके से इनके ऊपर बैन लगा रखा है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और ऊपर से आप लोग इनको चारा देने की भी कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। हमारे पास में हमारे लिए खाना खाने के लिए जो प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो इनको कहां से खिलाएं हम लोग, हम खुद भूखे मर रहे हैं। तो ऐसी बात कई बार यहां पर बोली जा रही है। यहां तक भी बोल दिया गया कुछ किसानों ने कि देखिए, हम लोगों ने 2014 में और 2017 में, यानी कि 14 में सेंट्रल जो गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे और 17 में जो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे, दोनों में बीजेपी को वोट दी थी, पर लेकिन अगर ये कंडीशन चलती रही तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो ऐसी बात यहां पर बोली जा रही है, यानी कि किसान जो है वो काफी खस्ता हालत यहां पर उनकी बिगड़ चुकी है, हालत काफी बिगड़ चुकी है, ये कंडीशन यहां पर सुधारनी पड़ेगी। हर एक तरीके से जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो किसानों को ही फेस करनी पड़ रही है।
आगे जो न्यूज निकल कर आ रही है ये उत्तर प्रदेश की काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखिएगा इनके बारे में, बी चंद्रकला, आईएएस ऑफिसर है 2008 बैच की। तो ये काफी काम नॉर्मली करती हुई पाई जाती है, जिस तरीके से जनता के वेलफेयर के लिए कई बार न्यूज में रहती है, सोशल मीडिया पे भी काफी दबदबा है इनका, काफी फॉलोइंग है इनकी पर। लेकिन अभी इनके घर सीबीआई का छापा पड़ा है, उसमें यह बोला गया है कि जो माइनिंग हुई थी उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 16 तक का, उसमें इनका काफी बड़ा रोल रहा है, खासकर वहां पर इनकी जो संपत्ति है उस टाइम पे ये बोला गया 90% तक, 80 से 90% इनकी संपत्ति भी उस टाइम पर बड़ी है, जो खासकर अखिलेश गवर्नमेंट के अंडर में थी। यानी कि इन्होंने सपोर्ट किया है जो खनन जो वहां पर हुआ है, जो भी माइनिंग वहां पर हुई है, इलीगल माइनिंग जिसको आप लोग बोलते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई को डायरेक्ट किया गया था और सीबीआई के द्वारा यहां पर ये सब छापे मारे गए हैं। तो इसके चलते हुए यहां पर अखिलेश जो उस टाइम पर ये जो मिनिस्ट्री थी ये अखिलेश के अंडर में थी, तो हो सकता है कि अखिलेश यादव जी के ऊपर भी यहां पर शिकंजा कसा जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए इनके घर छापा मारा गया, वो आप लोगों को पता ही होगा, न्यूज में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। देखिए अगर कहीं पर भी आप लोग देख लीजिए, इलीगल जो माइनिंग है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है, और जिसकी वजह से यहां पर जो ब्यूरोक्रेट होते हैं और जो पॉलिटिशियन होते हैं वो दोनों कहीं ना कहीं अगर मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता हुआ नजर आता है, और भी कई सारी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ती है। तो ये हल्की सी न्यूज है जो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो जिक्र किया जा रहा है यहां पर बात की जा रही है, देखिए जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन होते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार, ओलंपिक की बात कर लीजिए, पैरा ओलंपिक या फिर जो गेम होते हैं पैरा एशियन गेम उनकी बात कर लीजिए आप लोग, तो यहां पर कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद भी वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और ये बोला गया है अभी यहां पर, देखिए अगर यहां पर फिजिकली चैलेंज कोई पर्सन है तो आप लोग ये नहीं कि उनको इग्नोर कर दें, सोसाइटी में इनको इंक्लूड करके चलना है, उनकी भी राइट होते हैं, उनको भी आप लोगों को ढंग से देख के चलना है। जिस प्रॉब्लम से वो सफर कर रहे हैं आज की डेट में वो प्रॉब्लम तो है, इसके अलावा डिप्रेशन वगैरह एंजाइटी और भी कई सारी बीमारी है जिससे सफर कर रहे हैं। कहने का मतलब यहां पर ये जो मेन प्रॉब्लम है वो तो प्रॉब्लम ही यही है, इसके साथ और कई सारी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है। तो अभी एक स्टडी यहां पर निकल कर आई है जो कि आईसीएमआर के द्वारा स्टडी की गई, उसमें यह बोला गया है अगर आप लोग बात करते हैं 8 से 10% जो लोग हैं आज के में पॉपुलेशन के दिल्ली में ये सफर कर रहे हैं यहां पर कई सारी बीमारी के से, यहां पर आप लोगों के सामने है जैसे कि डिप्रेशन वगैरह हो गया, इसके अलावा एंजाइटी हो गया यानी कि घबराहटपन जो होता है, ये हो गया स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, एक तरीके का पागलपन आप लोग बोल सकते हैं या फिर एक तरीके का ऐसा प्रॉब्लम जिसमें सोचने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये वर्ड आप लोगों से वैसे ही पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आप लोग टफ है पर लेकिन याद रखिएगा स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। तो ये एक तरीका पागलपन आप लोग बोल सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि 10 से 20% जो पॉपुलेशन है यहां पर वो सफर कर रही है इन सब प्रॉब्लम से, और ओनली इलाज जो मिल रहा है वो ओनली यहां पर कितना मिल रहा है, ओनली 10 से 20% जो पॉपुलेशन है उसको इलाज मिल रहा है, 8 से 10% सफर कर रही है, और इस 8 से 10% में भी तो यहां पर ओनली 10 से 20% लोगों को ही इलाज मिल पा रहा है। यानी कि काफी प्रॉब्लम है, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देना पड़ेगा। वैसे आप लोग लीगल राइट फंडामेंटल राइट पता नहीं कैसी कैसी राइट्स की बात करते हैं, और एक्चुअल में डिटेल में देखेंगे तो ग्राउंड लेवल पर कुछ भी इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आता है। आगे जो बात की जा रही है मनरेगा, जिसको आप लोग बोलते थे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो ये जो स्कीम स्टार्ट की गई थी इसलिए स्टार्ट की गई थी ताकि जो लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होकर जाते हैं, वहां पर वो काम करते हैं जाकर और फिर अपने घर लौट कर आते हैं, तो माइग्रेशन को रोकने के लिए पर्टिकुलर एरिया में जिस लोकल एरिया में आप लोग रहते हैं उसी में आप लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और आप लोग को एक जगह से दूसरी जगह पर ना जाना पड़े। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर जब इंसान जाता है कई सारी प्रॉब्लम फेस करता है, वहां पर रहने की खाने की पीने की बच्चों के साथ में इसके अलावा और भी कई सारी तमाम प्रॉब्लम निकल कर आती है, पर लेकिन जो मनरेगा है आज के में इसको भी प्रॉपर फंड नहीं मिल पा रहा है जितना फंड इसको दिया गया था। अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले अभी मार्च तक देखने को मिलेगा 31 मार्च से पहले ही ये यहां पर जो फंड इसको दिया गया था वो 99% यहां पर खत्म हो गया है, तो बचे हुए 3 महीने जो है वो कैसे अब काटे जाएंगे आने वाले ये सोचने वाली यहां पर बात होगी। तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जितने भी यहां पर लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनको में उनका जो भी अर्निंग है वो उनको प्रोवाइड नहीं करा पाया जा रहा है, ये भी कई सारी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। तो एलोकेशन जो किया गया था यहां पर वो एलोकेशन किया गया था यहां पर ये था 59,000 ये 32 ये करोड़ इतना एलोकेशन किया गया था, और यहां पर 58,000 लगभग आप लोग बोल सकते हैं ये इतना अभी यहां पर खर्च हो चुका है, और बचा हुआ कितना है ये 331 करोड़ अभी बचा हुआ है ओनली, और बचे हुए कितने 3 महीने हैं। तो देखते हैं अभी इसके लिए कहां से फंड निकल कर आएगा और क्या बातें होगी। तो कई सारी प्रॉब्लम 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरी यहां पर ये प्रॉब्लम आज के में फेस करिए जो कि नेगेटिव बैलेंस में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, ये स्कीम लॉन्च कब की गई थी पहली बात, दूसरी बात आप लोगों को बताना है इस स्कीम का नाम कब चेंज किया गया था। पहले इसका नाम नरेगा था, फिर महात्मा गांधी का नाम और जोड़ दिया इसके साथ में, इसको मनरेगा कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को यह बताना है कि कब लॉन्च की गई थी और इसका नाम चेंज कब किया गया, तो ये दो क्वेश्चन जाकर पढ़िएगा। वैसे ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं पुराने लेक्चर अगर आप लोग फॉलो करके चल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर बात की जा रही है रोहिंग्या वाले इशू की। आप लोगों को पता है कि म्यांमार में कम्युनिटी है उसको
म्यांमार की जो आर्मी है उसके साथ में झड़प हुई और उनके द्वारा मारकर वहां से भगाया गया। तो जो कम्युनिटी को मारकर भगाया गया, तो काफी कम्युनिटी का जो लोग हैं वो आप लोगों को हमारी कंट्री के बॉर्डर पर भी आप लोगों को नजर आते हैं। कई बार उसके बारे में नजर आता है कि जो बीएसएफ है वो उनको यहां पर एंट्री नहीं करने दे रही है। तो यहां पर देखिएगा ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग देखिए, ये हो गया म्यांमार। तो यहां से एंट्री करते हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भी और खासकर यहां पर भी आप लोगों को नजर आएंगे, ये कई बार एंट्री करते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन इनको रोका जाता है हमारी कंट्री में बीएसएफ के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट ये बोलती है कि रोहिंग्या जो कम्युनिटी है कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में सिक्योरिटी का खतरा यहां पर हो सकता है। ऑलरेडी 6 लाख से ज्यादा लोग यहां पर आज के में बांग्लादेश में पड़े हुए हैं और म्यांमार में अब तक इनको वापसी नहीं बुलाया गया। हालांकि बोला गया प्रोसीजर स्टार्ट हो गया पर अब तक कोई ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो कई सारे यहां पर अरेस्ट किए गए, तो जो नंबर ऑफ अरेस्ट देखने को मिले 2015 में अरेस्ट किए गए थे 54, 2016 में अरेस्ट किए गए 71, 17 में किए गए 112, यानी कि 123 अरेस्ट देखने को मिले। और अब तक अगर नवंबर तक का डेटा यहां पर काउंट करें तो 230 अरेस्ट यहां पर अब तक हो चुके हैं। टोटल 478 जो लोग हैं यहां पर अरेस्ट किए जा चुके हैं जो कि रोहिंग्या वाले हमारी कंट्री में एंट्री करने की बात कर रहे थे। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकाल के लेके आते हैं, क्योंकि काफी बड़े लंबे समय से ये प्रॉब्लम चल रही है हमारी कंट्री की। अगर इंटरनल आप लोग बात करें, लगभग 40,000 रोहिंग्या ये माने जाते हैं हमारी कंट्री में इंटरनली आज की डेट में रह रहे हैं। तो उनकी भी बारे में बात की जाती है, उनको भी बोला जाता है किस तरीके से रहना खाना पीना बात की जाए। आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को ऐसे, अगर मान लीजिए किसी एरिया में जाकर कहीं कहीं पर कैंप लगाया जाता है, 15-20 लोग जाकर रहते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा खाने के लिए, रहने के लिए, पीने के लिए, अगर कोई बीमारी होती है उसके लिए, तो कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाएगा। हर एक चीज का अरेंजमेंट यहाँ पर करना पड़ता है वरना लोगों की जान चली जाएगी। तो काफी कुछ देखकर चलना पड़ता है अगर इस तरह की कंडीशन निकलकर आती है। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में प्रोटेस्ट चल रहा है काफी लंबे समय से, जब बात चल रही है सिटीजन, जो यहां पर बात चल रही है यहां पर सिटीजनशिप बिल के बारे में। देखिए बात क्या निकल के आती है, कंट्री में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 करके एक बिल है, उसके तहत कुछ कंट्री ऐसी है जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उनसे यहां पर कुछ कम्युनिटी है जिनको माइनॉरिटी कम्युनिटी वहां पर माना जाता है, जैसे जैन, सिख, हिंदूज, तो उनको अलाउ कर दिया है हमारी कंट्री में कि वो उनको आया वो यहां पर आ सकते हैं। पर लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो यहां पर अगर बात करेंगे पुराने टाइम में, तो जो यहां पर कंपोजिशन हुआ करता था पॉपुलेशन का, वो काफी चेंज हुआ गया है, क्योंकि 1971 के टाइम पर जो यहां पर बहुत सारी एंट्री हुई है खासकर आसाम वाले एरिया में, या फिर आप लोग नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में बोल सकते हैं, उसकी वजह से वहां पर पॉपुलेशन जो पहले इंडिजिनियस पॉपुलेशन यानी कि वहां की जो लोकल पॉपुलेशन हुआ करती थी, उसके अलावा बहुत सारे लोग वहां पर आज के दिन में आकर रह रहे हैं, उसकी वजह से वहां की प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम पड़ रही है उनकी, उनको यहां पर इंप्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर वे में, खाने पीने और भी रहने सहने की प्रॉब्लम हो रही है और कई सारी इलीगल एक्टिविटीज वहां पर देखने को मिलती है। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट बिल है, जो यहां पर ये अमेंडमेंट बिल लाने की बात करें, इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। और ये बात निकलकर यहां पर आ रही है कि 30 जो यहां पर इंडिजिनस जो ग्रुप है यहां पर, उन्होंने बोला है कि वो यहां पर प्रोटेस्ट करेंगे और शटडाउन करेंगे इसके खिलाफ में, कि इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, हमारे एरिया में काफी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ रही है इसकी वजह से। तो देखते हैं कि इसको रोका जाता है या नहीं रोका जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट बिल है ये, इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पॉलिटिकल एंगल यहां पर आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोग इसको बोल सकते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बातें हैं, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में जरूर रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है एक पर्सनैलिटी के बारे में जो कि रहने वाले इसराइल के थे। इसराइल पैलेस्टीन वाला इश्यू आप लोगों को पता ही है, वहां पर काफी लंबे समय से चल रहा था। तो इनका नाम है यहां पर, यह है अमोस ओज, ठीक है। तो इनके द्वारा यहां पर हमेशा से टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहां पर दिया जाता था। इनकी अभी डेथ हो गई है रिसेंटली, तो इनके द्वारा बोला गया था टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए, यानी कि दो कंट्री बननी चाहिए, ज्यूस के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, पैलेस्टीन अलग और इजराइल अलग। पर लेकिन यहां पर इजराइल इसको मानने के लिए अब तक तैयार ही नहीं था। आप लोग अगर देखेंगे जब सेपरेशन हुआ हमारी कंट्री में से, पाकिस्तान अलग निकला, उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा थ्योरी दी गई थी टू नेशन थ्योरी। बोला था कि मुस्लिम है जो पाकिस्तान के लिए है और हिंदू जो है वो हिंदुस्तान के लिए है। पर लेकिन मुस्लिम तो पाकिस्तान के लिए बन गया, पर लेकिन जो हिंदुस्तान है वो एक ऐसी कंट्री बन गया, यहां पर हर एक कम्युनिटी के लोग आसानी से रह रहे हैं और हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि उनकी थ्योरी उनकी उनकी कंट्री पे तो इंप्लीमेंट होगी, पर हमारी कंट्री पे हम लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं होने दी, इस तरीके से आज के में हम लोग अपनी कंट्री में रह रहे हैं। तो इसी तरीके से ये बोलते थे कि टू नेशन थ्योरी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, पर लेकिन ये बोलते बोलते चले गए, अब तक वहां पर कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिखा। क्वेश्चन ये बनता है हिस्ट्री में, टू नेशन थ्योरी अगर इंडिया की बात करें तो के द्वारा यहां पर दी गई थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। अब बात करते हैं यहां पर, ये बात की जा रही है, नीचे वाला आर्टिकल देखिए, ये बात की जा रही है तमिलनाडु में अभी एक महिला को जो ब्लड दिया गया, प्रेग्नेंट महिला थी उसको ब्लड दिया गया, तो जो ब्लड था वो एक तरीके से जो एचआईवी पॉजिटिव ब्लड था, उसकी वजह से प्रॉब्लम यहां पर ये निकल के आई कि देखिए महिला को भी जो ब्लड दिया गया उसकी वजह से महिला के अंदर भी वो सारी कंडीशन हो गई जो कि एचआईवी पॉजिटिव पर्सन के अंदर होती है। तो ये सब देख रेख के चलने चाहिए, तो काफी न्यूज में था ये, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और याद रखने के साथ साथ में थोड़ा सा देख रेख भी कीजिए, कभी किसी को बीमारी होती है, किसी को खून की जरूरत पड़ती है, तो ये सारी
चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ब्लड जो है, एक तो या तो फैमिली मेंबर को ही दे दे ज्यादा बेटर है, क्योंकि पता होगा फैमिली मेंबर के बारे में आप लोगों सबको कि हाँ ऐसा कुछ है कि इसको ये सब चीजें हैं या नहीं है। तो अगर आप लोग ऐसा होगा तो वो ज्यादा बेटर रहता है, यानी कि कोशिश ये करनी है अपने फैमिली मेंबर को खुद से ही ब्लड दे दीजिए तो वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है, बाकी ऐसी कंडीशन न देखने को मिले। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये निकल कर आई है ऑस्ट्रेलिया ओपन से। ये चार आप लोगों को पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट ओपन है, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ईयर में ही, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया ओपन। दूसरे नंबर पर होता है फ्रेंच ओपन, तीसरे पर होता है विंबलडन और चौथे नंबर पर होता है यूएस ओपन। तो चार ये बड़े खिताब हैं जो कि टेनिस की फील्ड में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन स्टार्ट करता है और यूएस ओपन खत्म करता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में कई सारे चेंज करने की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी को नया यूज करने की बात की जा रही है। इसके अलावा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मनी है उसको भी इंक्रीज करने की बात की जा रही है। तो कई सारी ऐसे चेंजेस करने की बात की जा रही है। बाकी ये चारों ग्रैंड स्लैम आप लोगों को पता होना चाहिए, खासकर जो रिसेंटली अभी 2018 में हुए हैं उनके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन होना चाहिए, किस किस के द्वारा कौन कौन सा जीता गया है। अगर इंडिया का कोई है तो वो तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, और कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसने आज तक नहीं जीता है उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि जो भी कुछ डिफरेंट होता है हल्का सा आइडिया उसके बारे में आप लोग जरूर रखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर मिड डे मील के बारे में बात की जा रही है। मिड डे मील जो कि एक लंच दिया जाता है जो बच्चे आते हैं स्कूल में उनके लिए यहां पर लंच की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। कर्नाटका में कंट्रोवर्सी में पहुंच गए यहां पर ये। आखिर कंट्रोवर्सी क्या निकल कर आ रही है, खाने में चेंज करने की बात की गई थी, जो ठंडा दूध दिया जाता है उसकी जगह थोड़ा सा गर्म दूध देने की बात की गई थी, और ऑनियन और प्याज और लहसुन वगैरह देने की बात की जा उसमें मिस करने की बात की जा रही थी। तो यहां पर ये इन चीजों को देखते हुए कंट्रोवर्सी में आ गया, दूध तो देने की बात कर दिया लेकिन ऑनियन को लेकर यहां पर कंडीशन आ गई है, उसको यहां पर देने की बात नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो बच्चों का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आ पा रहा है और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो कंट्रोवर्सी बिना बात की कंट्रोवर्सी कई बार निकल जाती है, तो उसी तरीके की बिना बात की कंट्रोवर्सी आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की गई 1 जनवरी 2019 को यहां पर एक प्रोटेस्ट देखने को मिला महिलाओं के द्वारा। 620 किलोमीटर लंबी यहां पर एक चेन बनाई गई महिलाओं के द्वारा, प्रोटेस्ट कर रही थी कि क्यों इनइक्वलिटी यहां पर सोसाइटी में देखने को मिलती है खासकर महिलाओं के लिए। आप लोगों को पता है सबरीमाला टेंपल में एंट्री की बात करते हैं 10 से 50 के बीच की महिलाओं को एंट्री नहीं करने दी जाती है, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में एंट्री को अलाउ कर दिया गया है। तो ये पांच इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बात निकल कर आ रही है यहां पर रोजर फेडरर के बारे में। तो इन्होंने जीत लिया यहां पर यह होपमैन कप, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि इनको देखने को मिलेगा एक हिस्ट्री के। जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ द क्रिकेट माना जाता है, इसी तरीके से आप लोग टेनिस के फील्ड में इनको गॉड ऑफ द टेनिस बोल सकते हैं। शानदार पर्सनैलिटी है, शानदार तरीके से परफॉर्मेंस, और इतनी ज्यादा एज होने के बाद भी जिस तरीके से एक्टिव है ये पर्सन, ये दिखा देता है कि एज जो है वो कभी भी इंसान के रास्ते में नहीं आती अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है। बस अपना थोड़ा खान पीन का ध्यान रखा जाए और अपनी लाइफ में थोड़ा एक्सरसाइज का उसका पार्ट होना चाहिए, तो फिर सारी प्रॉब्लम यहां पर दूर हो जाती है। आगे बात की जा रही है चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में, तो खतरनाक स्टेटमेंट यहां पर दी गई है। वो चाहते हैं कि इनकी कंट्री तैयार रहे आने वाले टाइम में अगर कभी भी कोई वॉर हो सकती है, खासकर साउथ चाइना सी की आप लोग बात कर लीजिए वहां पर प्रॉब्लम निकल कर आती है। इसी के साथ में जो यूएसए के साथ में ट्रेड वॉर चल रही है उसको आप लोग जानती हैं, इसी के साथ में ताइवान वाला इशू जो यहां पर है उसकी कंडीशन आप लोगों को बताइए। ताइवान जो है वो पहले ये बोलता था कि वो असली चाइना है, पर लेकिन चाइना बोलता था वो असली चाइना है, तो ताइवान और चाइना को लेकर रस्साकसी रहती है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तब से ये टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं सपोर्ट करने के लिए ताइवान को, तो इसकी वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम निकलकर आती हैं, तो याद रखिएगा हल्का सा। आगे यहां पर बात की जा रही है एक यहां पर शिप है हमारी कंट्री का जो कि हमारी कंट्री में इंक्लूड किया गया था। कब ये किया गया था? 18 दिसंबर 1969 में, और डी कमीशन कर दिया गया यानी कि हटा दिया गया, इसकी सेवा कंप्लीट हो गई 27 फरवरी 2001 में। नाम जरूर याद रखेगा, इसका नाम है कुरसुरा, तो कुरसुरा सबमरीन। तो ये एक म्यूजियम बना दिया गया इसके बाद में विशाखापट्टनम में। तो अभी न्यूज क्या निकल के आ रही है, न्यूज ये निकल के आ रही है कि बम्बार्डमेंट यहां पर देखने को मिली टूरिस्ट की जो कि इसको देखने के लिए पहुंचे। 2017 में 4,20,000 टूरिस्ट पहुंचे थे, 2018 में यहां पर 6,40,000 टूरिस्ट पहुंचे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी आज के डेट में बन चुका है, जो कि ये लोकेशन आप लोग यहां पर देखते हैं इमेज में आप लोग को नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात की जा रही है साइक्लोन पाबुक के बारे में। तो ये ऑलरेडी कहां से, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं थाईलैंड से अब अंडमान निकोबार वाले एरिया की तरफ को बढ़ रहा है। तो देखते हैं किस तरीके की दहशत यहां पर देखने को मिलती है, किस तरीके कंडीशन यहां पर निकल कर आती है और कितना हम लोग सेफ्टी मेजर्स ले पाते हैं। येलो वार्निंग जारी की गई है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे पहले आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, जो भी पॉसिबल आप लोग चीजें ले सकते हैं ट्रेवल के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोगों को प्लान करना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। तो ये होती है येलो वार्निंग। बात करते हैं यहां पर सीरिया से विड्रॉ करने की बात की गई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, पर लेकिन अब तक ये नहीं बोला गया कि कब तक यहां पर ये विड्रॉ करेंगे, कोई टाइमलाइन यहां पर नहीं तैयार की गई है। दूसरी बात, यूएसए ने ये बोला है कि वो हमेशा से प्रेशर लगाए रखेंगे कि आईएस का दबदबा न बढ़े, उसको कंट्रोल करने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं मेक्सिको के बॉर्डर पर दीवार बनाना, तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप लोग चाहो गवर्नमेंट को बंद करके रख सकते हो, मैं जब तक यहां पर दीवार नहीं बनाऊंगा तब तक मेरा फंड नहीं मिलेगा मुझे, मैं यहां पर कोई जरूरत नहीं है काम कराने की, आप लोग जैसा आप लोगों को लगता है आप लोग इंजॉय
इंजॉय करते रहिए, पर जो मैं हूं मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। तो ये भी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, बच्चे जिद नहीं करते चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए, तो वो वाली पोलो यहां पर निकल कर आ रही है। ओके आइए आगे बढ़ते हैं, अब नजर डालते हैं साइंस और टेक वाले पोर्शन पर। साइंस और टेक वाले पोर्शन में काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आज की फर्स्ट न्यूज है। इसमें यह बोला जा रहा है कि जो एल्डरली यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं अगर उनको सुनाई नहीं देता है यानी कि अगर उनको हियरिंग लॉस होने लगता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम यह निकल के आती है कि वो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यानी कि एक तो एज बढ़ रही है, ऊपर से लोगों की बातें नहीं सुन पा रहे प्रॉपर वे में, तो डिप्रेशन का जो शिकार है वो और ज्यादा ये बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को भी थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। और इसी के साथ में आप लोगों के लिए यहाँ पर एक वर्ड है, इसका नाम है ओटोलारिंगोलॉजी। तो इसका मतलब होता है डिजीज रिलेटेड टू ईयर और थ्रोट, यानी कि गले और जो कान से रिलेटेड डिजीज है उसको बोलते हैं यहाँ पर ओटोलारिंगोलॉजी। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो यहाँ पर बात निकल कर आ रही है हमारे खाने के बारे में। देखिए अगर यहाँ पर जो मेन्यू रहता है, अगर आप लोग जहाँ पर खाना खाने जाते हैं वहां पर अगर सामने कैलोरी भी लिखी रही उसकी, इस फूड से इतनी कैलोरी मिलेगी, इससे इतनी कैलोरी मिलेगी, यानी कि जो फैट जो पर्सन पर चढ़ जाता है यानी कि जो मोटापा चढ़ जाता है, अगर उसको पता हो उसके खाने में कितनी कैलोरी मिलने वाली है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो माइंड है हमेशा उस खाने को चुनेगा जो कैलोरी जिसमें उसको अपनी बॉडी के हिसाब से, यानी कि अगर कोई मोटा पर्सन है तो हमेशा जिसको लगता है कि तो कैलोरी के हिसाब से सेंसेबल वो चुनाव अपना करेगा हमेशा। यानी कि अगर ज्यादा कैलोरी चाहिए तो ज्यादा वाला लेगा और कम कैलोरी चाहिए तो कम कैलोरी वाला लेगा। पर लेकिन अवेयरनेस की वजह से प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। तो बोला गया कि फूड काउंटर पर जहां भी जाते हैं तो हर एक के सामने वहां पर कैलोरी लिखी होनी चाहिए कि पर्टिकुलर फूड में कितनी कैलोरी है, तो डेली यहां पर कैलोरी काउंट यहां पर पता होना चाहिए। अगर रियली में चाहते हैं सॉल्यूशन निकाला तो एक डाइट पता होनी चाहिए, और खासकर इंडियन में आप लोगों को इस तरीके की अवेयरनेस नहीं देखने को मिलेगी। तो इसी की वजह से हमारी कंट्री में जो मोटापा है वो बहुत बड़ी बीमारी बनता हुआ जा रहा है, और इसी के साथ में मोटापे के साथ में और कई सारी बीमारी आती है जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह हो गया, इसके अलावा और भी कई सारी बीमारी आज के डेट में निकल के आती है मोटापे की वजह से। तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा, मतलब खाने पीने पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज एक पार्ट होना चाहिए लाइफ का, और पता रहना चाहिए क्या खा रहे हैं और कितना मतलब कितनी कैलोरी ले रहे हैं और कितना उसकी कंपेयर में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि वो कैलोरी हम लोग बर्न भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप लोग कभी मोटरसाइकिल लेते हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल में तेल डालते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तेल खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई, फिर से तेल डालते हैं, फिर से चलाते हैं। आप लोग ये सोचिए अगर तेल डाला जाए और मोटरसाइकिल में पड़ा ही रहे काफी लंबे समय तक, आप लोग उसको यूज ही ना करें तो क्या मतलब उसका रह जाता है। तो बॉडी में जो फैट चढ़ता है वो एक उसी तरीके का तेल है, यानी कि हम लोग खा तो ले रहे हैं पर लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, एक तरीके से इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे ताकि वो फैट वो कम हो जाए। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है और भी कई सारी बीमारी को यहां पर दावत देती है। बात करें यहां पर जेंडर रेस्पॉन्स देखने को मिलता है ब्रेन कैंसर थेरेपी से रिलेटेड, यानी कि कहने का मतलब यह है अभी यहां पर एक स्टडी की गई जिसमें मेल और फीमेल के ऊपर स्टडी की गई। अब जो यहां पर स्टडी पे निकल के आया जो ब्रेन कैंसर होता है वो ब्रेन कैंसर यहां पर जो फीमेल है उनमें वो कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू मेल के कंपेयर में। तो कुछ ऐसी कंडीशन यहां पर निकल कर आई है, और इसी की वजह से जो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, सर्जरी वगैरह जो इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, TMH यानी कि क्यूमोथेरोपेटिक ड्रग या फिर टोमोलोजोमाइड, ये सब चीजें जो यूज की जाती है यहाँ पर, इनकी वजह से जो सॉल्यूशन निकल कर आता है वो भी फीमेल पर जल्दी असर करती है एज कम्पेयर टू मेल के। तो जो ये स्टडी की गई यहाँ पर ट्रीटमेंट अगर स्टैंडर्ड की बात करते हैं खासकर कैंसर की, तो महिलाओं को जल्दी से हम लोग ठीक कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर मेल कम्युनिटी की हम लोग बात करते हैं। तो आगे बात की जा रही है मच्छर के काटने से बीमारी होती है, आप लोगों को पता है बहुत सारी बीमारी होती है और कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब जो हमारी मुंह से जो लार्वा होता है, जो हमारी मुंह से जो सलाइवा होता है, लार्वा नहीं जो लार होता है जो लार होता है, ठीक है, यानी कि उससे भी अब पता लगाया जा सकेगा कि किस तरीके से मच्छर की जो बीमारी है वो हमारे अंदर है कि नहीं है। क्योंकि कई बार जो सिम्टम्स होते हैं मच्छर के काटने की वजह से, कई लोगों में सिम्टम्स निकल के नहीं आते, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारी देखने को मिलती है। और ये निकल के आता है कि जो सब अगर आप लोग बात करें सब सहारन अफ्रीका वाले एरिया में लगभग 5 लाख लोग जो हैं बच्चे जो हैं वो इसकी बीमारी की चपेट में आते हैं। अगर यहां से इसके हिसाब से भी हम लोग इलाज का पता लगा सकते हैं, बीमारी का पता लगा सकते हैं कैसे कैसे बीमारी है, तो सॉल्यूशन जल्दी से हम लोग निकाल पाएंगे। तो USA और अफ्रीका के जो रिसर्चर थे उनके द्वारा यहां पर ये इस तरीके का सॉल्यूशन निकाला गया है कि लगभग 3 से 30 मिनट के अंदर अंदर जो यहां पर इसका पता लगा जा सकेगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी है या ये बीमारी नहीं है। तो जो भी यहां पर प्रोटीन सेलेक्ट किया जा रहा है, जो 1 प्रोटीन मार्कर किया गया यहां पर, नेम उसका रखा गया है PSSP7, ठीक है, तो इसके तहत यहां पर यूज करके यहां पर इन सब चीजों का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। कहने का मतलब यह है अब यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन में अगर पता नहीं चलता था कि उसको मलेरिया है, उसके भी मलेरिया का पता यहां पर लगाया जा सकेगा। तो एक फॉरवर्ड स्टडी आप लोग इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
आगे जी यहां पर बात निकल के आ रही है, ये बात निकल के आ रही है मिस कैरेज के बारे में। कई बार आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि कई बार जो महिलाएं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, तो देखिए हमारी सोसाइटी में क्या करते हैं, इसका दोषी महिलाओं को मान लेते हैं, पर लेकिन दोषी यहां पर किसी पर्टिकुलर एक को नहीं माना जा सकता। हो सकता है जो मेल है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेल की स्पर्म काउंट अगर अच्छे नहीं है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम निकल के आती है। देखिए पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, कई बार क्या होते हैं जो बच्चे होते हैं या फिर आप लोग क्या करते हैं फैमिली के साथ में बैठ के लेक्चर देखते हैं, तो एक बार मैं लेक्चर डिस्कस करा था कंडोम के बारे में, तो बच्चे ने ये बोला सर मैं फैमिली के साथ में बैठ के लेक्चर देख रहा था आपने कंडोम का कैसे जिक्र कर दिया। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में यही प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, इन चीजों का नाम लेने से भी डरते हैं। आप लोगों को पता है कि इन चीजों की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है आज के डेट में, हम लोग ये चीजें डिस्कस नहीं करते हैं। इवन अभी एक आप लोगों के सामने एक टॉपिक और डिस्कस करूंगा मैं छोटा सा, उसमें भी यही चीजें देखने को मिलती है। हमारी कंट्री सबसे ज्यादा इन चीजों को छुपाती है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो डेथ होती है हमारी कंट्री में, सबसे ज्यादा जो ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो कि अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी होती है हमारी कंट्री में, अगर ये कुछ बातें पता हो तो देखिए बहुत सारी चीजें हम लोग रोक सकते हैं, बहुत सारे लोगों की सेहत पे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। पर लेकिन होता क्या है, जो बायोलॉजी के चैप्टर हैं वो भी बच्चों को नहीं पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, पेरेंट्स जो है वो बच्चों से बात नहीं करते हैं, तो जब बच्चों की बॉडी में चेंज आते हैं तो उनको कहीं से पता नहीं चलता है, डर जाते हैं, उनको फिर मिसगाइड किया जाता है, इधर उधर से वो बातें सुनते हैं और जो भी उनको बातें बताता है उसके हिसाब से वो काम करने लगते हैं। तो ये सारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में सोसाइटी में, कोई बात करने के लिए तैयारी नहीं है इसके ऊपर, और जो बात करते हैं तो उनको शर्म आती है। तो देखिए ये जो शर्म है, ये शर्म बहुत सारे बच्चों को लेकर डूबती है, गलत कंडीशन में पड़ जाते हैं। तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है ये, और इसके साथ में जो आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो ये लेक्चर सुन रहे हैं जो 30-40 हज़ार यहां पर आज के डेट में, वो एक उस लेवल की सोसाइटी से ऊपर उठ चुके हैं, तो कम से कम आप जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो भाई दोस्त हैं, उनके साथ में डिस्कस कीजिए, इन चीजों को समझाइए। बॉडी में चेंज होते हैं ये सारी चीजें, एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, इनको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है सोसाइटी में, अगर हम लोग ढंग से इसको दिखाने लगेंगे तो कई सारी चीजें हम लोग सोसाइटी में सही कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी ऐसी है, एड्स की बीमारी छिपाई जाती है, उसकी वजह से वो और ज्यादा सीवियर रोग हमारी कंट्री में फैल रहा है, तो ऐसी ऐसी चीजें हम लोग को डिस्कस करनी चाहिए ताकि लोगों को इनके बारे में पता चले, ना कि ये छिपानी है, छिपाने वाली चीज नहीं है यहां पर ये, तो इस तरीके कंडीशन निकल कर आती है। तो जो स्पर्म काउंट जो कम होता है बच्चों में, आप लोगों ने देखा भी होगा, 3 Idiots मूवी में दिखाया जाता है ना कि जिस तरीके से ये आप लोग देखिए कि कई सारे स्पर्म यहां पर दौड़ते हैं, जब एग में जाकर एक स्पर्म यहां पर एंट्री करता है जब बच्चे का जन्म होना स्टार्ट होता है, यानी कि आप लोग और मैं, हम सब लोग जो इस दुनिया में आए हैं वो इसी प्रोसीजर की वजह से आ रहे हैं। तो ये नहीं है कि महिला के अंदर ही कोई प्रॉब्लम होती है, यहां पर स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम हो सकती है, वो इतना स्ट्रेंथ ना हो कि वो यहां पर कंप्लीट प्रोसीजर को कंप्लीट कर सके, उसकी वजह से बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम होती है, तो किसी में भी प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है। तो महिलाओं को दोषी ठहराना ये बिल्कुल गलत बात है। इसी के अलावा महिलाओं में अगर देखने को मिले और भी कई सारी प्रॉब्लम यहां पर निकल के आ सकती है, मदर में यानी कि इम्यून सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है और इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो कई तरीके की यहां पर चीजें निकल कर आती है, पर लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वह है अवेयरनेस, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अभी एक मूवी बनाई गई पैडमैन, रियल पैडमैन है ये पर्सनालिटी, नीचे कमेंट बॉक्स में नाम बताना है, पहचान लिया होगा आप लोगों ने, और यहां पर जो पैडमैन का रोल प्ले किया गया है वो अक्षय कुमार के द्वारा किया गया है। छोटा सा देखिए बात की जाती है यहां पर, अगर जरा सी बात की जाए, नॉर्मली क्या 10-20 रुपए ज्यादा होते हैं, अगर 10-20 रुपए की एक पैड यूज कर ली जाए, जो गंदा कपड़ा यूज करते हैं उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है, तो बहुत सारे जो महिलाएं हमारी कंट्री में वो इसकी वजह से आज के डेट में उनकी जान जा रही है। ये रीजन क्या है, रीजन ओनली है कि ये नहीं, उनको ये पैड नहीं मिल पाती है जो कि एक साफ सुथरी पैड होती है, कपड़ा यूज किया जाता है गंदा पता नहीं कैसा कैसा, और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो इसी के बारे में यहां पर बात बोली जा रही है। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या लोग बात ही करना पसंद नहीं करते हैं। पीरियड्स के बारे में अगर किसी से पूछ लिया जाए तो ये बोलते हैं पता नहीं क्या बोल दिया, सेक्स के बारे में किसी को वर्ड भी यूज कर ले जाए तो उनके ऊपर तलवारें लटक जाती हैं। आखिर बात कब करना स्टार्ट करोगे भैया, जब लोग मर जाएंगे, घर में से कोई चला जाएगा तब बात करनी स्टार्ट करेंगे। ये तो ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए, 10th से पहले ये बच्चों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब बच्चों की बॉडी में चेंज आ रहे होते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन की बात कर लीजिए, इसको आप लोग हिंदी में मासिक धर्म कहते हैं, पीरियड्स नॉर्मली बोल देते हैं, तो सोसाइटी में कोई डिस्कस करने के लिए तैयार ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि देखिए जब ये डेटा देखिए आप लोग यहां पर 71% गर्ल्स ऐसी हैं हमारी कंट्री में, जब उनको ये जो मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स होने स्टार्ट होते हैं उनको पता ही नहीं होता है। तो सोचिए एक किसी पर्टिकुलर पर्सन, अगर किसी को उसके बारे में पता ही नहीं, इन्फॉर्मेशन किसी ने दी ही नहीं गई है, और ब्लड आना इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है, तो कितना गलत तरीके से एक तरीके से उसके अंदर फीलिंग है, उसको लगे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। और अगर ये स्कूल में प्रॉपर वे पढ़ा दिया जाए, पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ में डिस्कस कर लें, जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाए, तो देखिए बहुत बड़ी इस तरीके से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं दे पाते हैं, हेल्थ के इश्यू कई बार निकल के आते हैं, तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है हमारी सोसाइटी में। और अप्रोक्सीमेट जो
देखने को मिलेगा। इसी की वजह से जो लड़कियां हैं, खासकर अगर जो स्कूल की बात आप लोग करते हैं, तो लगभग 80% वो अपना स्कूल मिस करती हैं 3 से 4 दिन, क्योंकि वहां पर टॉयलेट की फैसिलिटी सेपरेट अलग नहीं है, अलग वहां पर टॉयलेट जो लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है, ये प्रॉब्लम निकल के आती है। तो 20 से 30 रुपए की जो चीज है, उसकी वजह से 3 से 4 दिन हर एक महीने में बेकार किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं लगभग 30 से 40 दिन एक साल के साइड में कर दिए जा रहे हैं बिना किसी बात के, जिसकी वजह से उनको सोसाइटी में भी अलग तरीके से देखा जाता है। अगर नहीं देखिए तो मूवी जरूर देखेगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके की सोसाइटी में हर चीज में चीजें चल रही हैं। तो ये बहुत गलत है हमारी सोसाइटी में, इनको डिस्कस करना चाहिए और सामने निकाल के लेके आना चाहिए। आखिर इनका प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है तो इनका सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना चाहिए, ऐसे इनसे नहीं कि मुंह फेर के आगे चल दें। और बार बार आर्टिकल आते रहते हैं, बार बार अवेयरनेस फैलाने की बात की जाती है, मूवी भी बन चुके हैं, फिर भी कुछ चेंज हो रहे हैं, पर लेकिन उस लेवल पर नहीं हो रहे हैं जिस लेवल पर होने चाहिए। तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कोई ऐसा आर्टिकल डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों के भी व्यू जानना चाहता हूं। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ऐसे आर्टिकल डिस्कस मत किया कीजिए, आर्टिकल मत देखा करो यार, बंद कर दो देखना, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि इन्फॉर्मेशन इस तरीके की इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन है, तो मत देखा करो उस दिन, ठीक है। खासकर संडे वाले दिन मत देखा करो, संडे वाले दिन साइंस एंड टेक में ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और मैं नॉर्मली शेयर कर लेता हूं। तो आप लोगों को लगता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए, तो उस दिन आप लोग मत देखिए, और या फिर अकेले बैठ के देख लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो कम से कम आप लोगों को होनी चाहिए। पेरेंट्स के साथ में नहीं देखना है तो आप लोगों को, लेकिन मैं ये कोशिश करना चाहता हूं कि पेरेंट्स इन चीजों को डिस्कस करें बच्चों के साथ में, आप लोगों को ये चीजें सामने निकाल के लेके आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन के अगर हम लोग बात करते हैं तो। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर मर्क्यूरी लेवल की बात की जा रही है, जिसको आप लोग पारा बोलते हैं, तो वाटर में कितना, ये इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहां पर अगर ज्यादा ये चीजें पानी में पाई जाती है इस तरीके टॉक्सिक कंपोनेंट, तो ये हमारी फूड चेन में अगर एंटर कर जाते हैं तो ये कंटेमिनेटेड कर देते हैं और पूरे इंसान को एक तरीके से डेथ के कगार तक लेकर आता है, यानी कि मृत्यु के कगार तक लेकर पहुंचा देते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर जो फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR, याद रखिएगा पूछ लेता है कई बार कहां पर है, ये बेंगलुरु में है। तो यहां पर बोला गया है एक नई तरीके से ऑपरेट करने की बात की जा रही है, सरफेस, ये यहाँ पर बात की जा रही है सरफेस इनहेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसके हिसाब से बात की जा रही है यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि किस तरीके से सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला जाए, बेटर मेथड डिटेक्ट करने के लिए जो वाटर में अगर इस तरीके कोई कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक पत्ता मिला है जो कि काफी पुराना पत्ता यहाँ पर माना जा रहा है, एक फोसिल के फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये डिस्कवर किया गया यहाँ पर, यह गुर्रा लिग्नाइट माइन बीकानेर राजस्थान में, इसके ऊपर भी स्टडी की गई यहाँ पर, यह आरसी मेहरोत्रा और यह अनुमेहा शुक्ला लखनऊ के बीरबल सानी इंस्टीट्यूट से, यहाँ पर जो साइंटिस्ट इनके द्वारा यहाँ पर इसकी स्टडी की जा रही है, और बोला जा रहा है गोडवानियन ओरिजन के टाइम के यहाँ पर ये स्टडी की जाएगी। तो इससे पता चलेगा इस सिचुएशन के बारे में आखिर क्या है। ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आज के में हमारी कंट्री इंडिया भारत आप लोग देखते ये यहां पर ऐसे नहीं था, कहने का मतलब ये पहले एक पेंजिया नाम का एक पूरा एक जगह यहां पर मिला हुआ इस तरीके का था पृथ्वी का, अगर आप लोग देखने को मिलेगा, और सारी जगह यहां पर पानी हुआ करता था, फिर इसने टूटना स्टार्ट कर दिया गया, प्लेट टेक्टोनिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में। तो यहां से जैसे ये टूटना स्टार्ट हुआ, निकलना स्टार्ट हुआ, और फिर ये ऐसे निकलते निकलते यहां पर ऐसे जाकर जुड़ गया, और ये आज की डेट में आप लोगों को इंडिया देखने को मिलता है। तो इस तरीके से उस टाइम के बारे में हम लोग यहां पर पता लगा पाएंगे, जिस तरीके से आप लोगों ने कई बार सुना होगा डायनासोर के बारे में, और एक दिन हम लोगों ने डिस्कस भी किया गया था कि डायनासोर जो थे उस टाइम पर, अगर पुराने टाइम में आप लोग जाकर देखेंगे तो वो वेज यानी कि एक तरीके से वेजिटेरियन डायनासोर थे, तो उनके बारे में हम लोगों ने जाना था, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कहां पर मिला है ये पत्ता, इसके ऊपर स्टडी करने की बात की जा रही है, तो बीकानेर राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है ना। तो ये माइन है यहाँ पर, इसका भी नाम याद रखते हैं, यह गुर्रा, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आईटी खड़गपुर के द्वारा यहाँ पर कार्बन माइक्रोनिलिस के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो सुई होती है जिससे आप लोग देखते हैं कई बार इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसको और भी ज्यादा छोटे बनाने की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। 1 mm साइज की बात की गई है, लो कॉस्ट है और पेनलेस यहाँ पर जब भी इंजेक्शन वगैरह दिया जाएगा, तो जो ये स्टडी की गई है आईटी खड़गपुर के द्वारा की गई है, आसानी से डिलीवरी ड्रग्स यहाँ पर दवाई दी जा सकेगी। तो ये था कंप्लीट आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी जो भी सजेशन जो भी सुझाव है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।